फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। आपने देखा कि प्रमोटर के दिमाग में ऐसी सोच आती है कि चलो हमें कंपनी बनानी है, कंपनी बनाने का सोचने के बाद वो उसकी फिजिबिलिटी देखता है कि ऐसी कंपनी वायबल है या नहीं, मार्केट में ऐसी कंपनी की जरूरत है या नहीं, प्रॉफिट मेकिंग होगी या नहीं होगी, उसका फ्यूचर क्या है, ग्रोथ कैसा रहेगा, ये सब फैक्टर डिसाइड करने के बाद प्रमोटर पॉजिटिवली जब सोचता है और डिसाइड करता है कि हमें कंपनी बनानी ही है, सबसे पहले कंपनी फॉर्म करने के लिए कौन से तरीके की कंपनी बनानी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, अनलिमिटेड में दो पार्ट, विद शेयर कैपिटल विदाउट शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी उसमें भी दो पार्ट, हैविंग ए शेयर कैपिटल एंड नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल, एंड कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी हैविंग ए शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड लायबिलिटी गारंटी उसमें दो दो पार्ट एंड लिमिटेड लायबिलिटी विद द शेयर कैपिटल। हमारे इंडिया में लिमिटेड लायबिलिटी हैविंग द शेयर कैपिटल वैसी कंपनी एग्जिस्ट है। तो आप लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी डिसाइड करोगे, बाद में आप सोचोगे आपको प्राइवेट कंपनी बनाना है या पब्लिक कंपनी बनाना है। इफ यू नीड द फंड फ्रॉम द पब्लिक देन यू गो फॉर द पब्लिक कंपनी, अदरवाइज प्राइवेट कंपनी इज ओके। अकॉर्डिंगली आपको सब प्रोसीजर फॉलो करना है, whether it is a private company or public company. If you want to form the private company, whether it is a OPC company, one person company, जिसमें एक ही member है, एक ही director है, एक ही person पूरा company चलाता है, और one person company है, वो भी एक private company है, और having some special privileges, one person company को थोड़े special rights दिए गए हैं, उसके अलावा ये वन पर्सन कंपनी है ना, वह प्राइवेट कंपनी ही रहेगी। आपको कंपनी बनाने से पहले लीगल फॉर्मेलिटीज क्या देखना है, सबसे पहले व्हाई यू वांट टू फॉर्म द कंपनी, सी द लॉफुल ऑब्जेक्ट, यू नो दैट डेफिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आल्सो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किस काम का हो सकता है, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन। यहाँ पे हम कंपनी बनाने का जो पर्पस है ना, हमारा हेतु है ना, हम जो करना चाहते हैं ना, दैट शुड बी द लॉफुल। कोई भी कंपनी लॉफुल ऑब्जेक्ट को पूरे करने के लिए ही स्टार्ट कर सकते हो। सेक्शन 3 प्रिस्क्राइब ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल। कोई भी कंपनी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट पूरा करने के लिए हम बना नहीं सकते हैं, ओनली लॉफुल ऑब्जेक्ट एज पर सेक्शन 3। Subscription to the memorandum. What is subscription? Signing person of the memorandum. Who will take the responsibility for issue of memorandum? Who will follow the whole procedures for the issuing of the memorandum? Memorandum issue करने के लिए जो लोग सब process करते हैं, जो लोग उसका responsibility लेते हैं, जो पूरा memorandum verify करते हैं, आपको मालूम है name clause, object clause, register office clause, सब कुछ जो जो उसकी प्रोसीजर है मेमोरेंडम की, वो मेमोरेंडम की प्रोसीजर जो करता है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसमें जो साइन करता है, विल बी द सब्सक्राइबर, वो साइन द मेमोरेंडम, जो मेमोरेंडम में साइन करता है उसको हम सब्सक्राइबर बोलते हैं। पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7, प्राइवेट है तो 2, ओपीसी है तो 1 पर्सन एटलीस्ट सब्सक्राइब द मेमोरेंडम। ओपीसी 1, प्राइवेट 2, पब्लिक 7 persons at least subscribe the memorandum। ये लोग है ना, इतने लोग तो साइन करने ही चाहिए। memorandum article and other required document आपको रजिस्ट्रार के बाद रजिस्टर्ड करवाना है। आप prescribed form, prescribed manner with prescribed fee, all provisions of the formation of the company are duly complied, then certificate will be issued। आपने सब जो प्रोविजन है कंपनी सेक्ट की फॉर्मेशन की वो पूरी की हुई है तो आपको सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा। एंड हेंस सो बेसिक थोड़ा इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट आपको दे दिया था, आगे आपको विथ डिटेल भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। फॉर्मेशन ऑफ द एक्ट ओपीसी, पहले आपको कंपनी बनाने के लिए जनरल इन्फॉर्मेशन दिया था, अभी जो दिया हुआ है वो पर्टिकुलरली ओपीसी, वन पर्सन कंपनी बनाना है तो वन पर्सन कंपनी के लिए
आपको कौन सी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिविलेजेस दिए जाएंगे। सबसे पहले एडिशनल रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू मेमोरेंडम, मेमोरेंडम के साथ उसकी एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है। देखो नॉर्मल मेमोरेंडम में कंपलसरी नहीं है, लेकिन ओपीसी में एक ही पर्सन कंपनी चलाता है, इसीलिए उसका नॉमिनी का नाम देना जरूरी है। और मेमोरेंडम में उसका नाम लिखने से पहले उसका रिटर्न कंसेंट लेना है। आफ्टर डेथ और इंसेनिटी ऑफ द पर्सन सच नॉमिनी विल हैंडल द कंपनी। एक तरह का नॉमिनी है वो लीगल हेवी है, लेकिन नॉमिनी के पास से रिटर्न कंसेंट लेना है बिफोर इशूइंग द मेमोरेंडम, आई एम रेडी टू बी ए नॉमिनी ऑफ योर ओपीसी कंपनी। बिफोर इशूइंग द मेमोरेंडम ही मस्ट नॉट विथड्रॉ द कंसेंट गिवन अर्लियर। इफ ही हैज विथड्रॉ द कंसेंट बिफोर द इश्यू ऑफ मेमोरेंडम, वी कांट इश्यू द मेमोरेंडम विथ हिज नेम। तो आपको नॉमिनी है वो अपना कंसेंट कभी भी मेमोरेंडम इश्यू करने से पहले विथड्रॉ कर सकता है, और आफ्टरवर्ड्स भी करता है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो नॉमिनी ओपीसी में कंपलसरी है। नॉमिनी आप मेमोरेंडम इश्यू करने से पहले उसके पास से लिखवा के ले लो, आई वॉन्ट टू बी नॉमिनी ऑफ योर कंपनी, चेंज इन नेम ऑफ द नॉमिनी। कभी भी कोई भी कंपनी का नाम आपको चेंज करने की इच्छा होती है तो नोटिस फॉर चेंजिंग, आप उसको चेंज का इंफॉर्मेशन दोगे। अभी चिंटू मेरा नॉमिनी था, चिंटू अब आप मेरे नॉमिनी नहीं रहोगे। फर्स्ट इन्फॉर्म टू द नॉमिनी वी आर गोइंग फॉर चेंज। सेकंड इंटीमेट टू द ओपीसी दैट इज द कंपनी, आपको यू आर द मेंबर, सो फर्स्ट इन्फॉर्म टू द नॉमिनी, देन इन्फॉर्म टू द कंपनी, देन इन्फॉर्म टू द रजिस्ट्रार। नॉमिनी कंपनी एंड रजिस्ट्रार दिस थ्री पर्सन शुड बी इन्फॉर्म्ड, नो अल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम। आप कोई भी नाम में चेंज करोगे नॉमिनी के तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि मेमोरेंडम में आपने चेंज किया है। चेंज इन द नॉमिनी डज नॉट मीन दैट चेंज इन द मेमोरेंडम। तो फ्रेंड्स ये ओपीसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स है, नॉमिनी का नाम उसका कंसेंट लेके मेमोरेंडम में लिखना। बिफोर इशूइंग द मेमोरेंडम कंसेंट शुड बी रिसीव्ड, एंड इफ यू वांट टू चेंज यू मे चेंज द नॉमिनी बट इन्फॉर्म टू द नॉमिनी कंपनी एज वेल एज रजिस्ट्रार, देन ओनली वी कैन चेंज। आप नॉमिनी में चेंज करोगे तो नॉमिनी में चेंज करने का मतलब वो नहीं है कि आपने मेमोरेंडम में चेंज किया हुआ है। कौन आदमी है वो नॉमिनी बन सकता है, कौन आप आदमी है वो कंपनी का मेंबर बन सकता है। एलिजिबल, हु इज एलिजिबल फॉर द मेंबर ऑफ द ओपीसी एंड हु इज एलिजिबल फॉर द नॉमिनी ऑफ द ओपीसी। सबसे पहले नेचुरल पर्सन ही बन सकता है, नॉमिनी है वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, नॉमिनी है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। सिटीजन इज डिफरेंट, रेसिडेंट इज डिफरेंट। Residence means 182 days in India. 182 days in India will be the resident. Citizen will be given by the government. Hence, one person है वो उसका nominee है. Natural person. Then individual. Then first natural, second individual, and third resident in India. How many days required for the resident in India? कितने दिन की जरूरत है? 182 days। जब आप डिसाइडिंग इन इंडिया रहोगे ना तब हम ऐसा बोल पाएंगे कि भाई आप रेसिडेंट इन इंडिया हो। लिमिट ऑफ नंबर ऑफ कंपनी, एक बंदा एक ही कंपनी में नॉमिनी एंड उसका मेंबर बन सकता है। एट ए टाइम ही शुड बी ओनली मेंबर इन वन कंपनी। ओपीसी में मैं एक कंपनी में मेंबर हूं, दूसरी कंपनी में मेंबर नहीं हो सकता हूं। एज वेल एज आप अभी नॉमिनी हो एक कंपनी के, दूसरे कंपनी के आप मेंबर हो, तो नॉमिनी वो वहां पे आपको मेंबर बनना पड़ता है, तो पहली कंपनी का मेंबर छोड़ना है आपको। एट ए टाइम यू शुड बी द मेंबर ऑफ वन कंपनी ओनली, नॉट मोर देन वन कंपनी। माइनर, माइनर कभी ओपीसी का मेंबर भी नहीं बन सकता, नॉमिनी भी नहीं बन सकता है। बेनिफिशियल इंटरेस्ट उसमें, मैनिफिशियल इंटरेस्ट भी माइनर नहीं रख सकता।
अभी अभी आपके पास ओपीसी कंपनी है, तो ओपीसी कंपनी क्या सेक्शन 8 के मुताबिक वो नॉन प्रॉफिट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है? वेदर ओपीसी कैन बी कन्वर्टेड इन नॉन प्रॉफिट सेंस? नो, आपकी ओपीसी कंपनी है वो नॉन प्रॉफिट कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। वेदर नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी, यानी जो अलग अलग होम लोन एंड मॉर्गेज लोन देती है कंपनी, बैंकिंग सर्विस नहीं देती है, अकाउंट हेल्ड नहीं होता है, सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट नहीं होता है, तो नॉन बैंकिंग कंपनी है। लेंडिंग एंड बोरिंग का काम करती है, तो नॉन बैंकिंग कंपनी जो है ना वो भी आप ओपीसी कंपनी नहीं रख सकते। नॉन बैंकिंग कंपनी में 1% डायरेक्टर नहीं हो सकता। प्रोहिबिशन ऑन वॉलंटरी कंस्ट्रक्शन कन्वर्जन, एक बार आपने ओपीसी बना दी, बाद में 2 साल तक आप वो ओपीसी एटलीस्ट कंटिन्यू रख सकते हो, बाद में आप कन्वर्जन का सोच सकते हो। कंपल्सरी कन्वर्जन फ्रेंड्स, कंपल्सरी कन्वर्जन में आपको आपका नेटवर्क 50 लाख से बढ़ गया, आपका टर्नओवर 2 करोड़ से बढ़ गया, तो ऐसी सिचुएशन में कंपल्सरी आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। यू विल बी द आइदर ओपीसी टू प्राइवेट कंपनी और एनी अदर फॉर्मेशन, बट यू कैन नॉट कंटिन्यू ओपीसी कंपनी इफ योर टर्नओवर इंक्रीज 2 करोड़, योर नेटवर्क इंक्रीज 50 लाख, और 6 महीने के अंदर आपको ओपीसी में से प्राइवेट कंपनी बना देना है। और प्राइवेट कंपनी के लिए आपको मिनिमम 2 मेंबर्स एंड 2 डायरेक्टर्स। इफ यू वांट टू डायरेक्टली ओपीसी टू पब्लिक कंपनी, आपको ओपीसी टू नॉर्मल प्राइवेट कंपनी नहीं, ओपीसी टू पब्लिक कंपनी बनाना है डायरेक्टली, तो एटलीस्ट 7 मेंबर्स एंड 3 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। पब्लिक में 7 मेंबर्स एंड 3 डायरेक्टर्स, प्राइवेट में 2 मेंबर्स एंड 2 डायरेक्टर्स आपको ओपीसी में बनाना है। तो ओपीसी कंपनी की सर्टेन प्रिविलेजेस है तो आपको याद रखना है। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। इफ यू नीड फर्दर वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड्स। तेजवान इंस्टीट्यूट, थैंक यू वेरी मच।